वाले हैं ना परिवार, मतलब वो लोग ज्यादा हम से फर्क कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिला कलेक्टर और एसपी के माध्यम से हम लोगों की टीम का गठन किया गया है, जीएसटी और एसएसटी टीम का, जिनके द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जहां भी वाहन से किसी से अवैध रूप से जो भी सामग्री मिलती है, चाहे वो शराब हो चाहे नकदी, तो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान आज की कार्रवाई की गई। सर कितनी जब्ती की है? आज 3,32,000 रुपये हमारे एसएसटी के पाठक जी, मजिस्ट्रेट और हम सब के माध्यम से ये हमने जब्त किए हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पार्टियों और चोरों और गुंडे बदमाशों के पीछे कार्रवाई करने में लगी है। पिछले कुछ समय में हमारे टीकमगढ़ जिले में भी चोरियों की घटनाओं का अंजाम दिया जाता था, तो इसी से हमने जो पूर्व में जो चोरी के आरोपी थे उनकी तरफ नजर रखना शुरू कर लिया था। और जो संदिग्ध लोगों का मूवमेंट रात के समय में हमारे जिले में हो रहा है, उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इसी तहत कोतवाली टीम को कल रात में खबर मिली कि कुछ अनजान अज्ञात व्यक्ति लोग यहाँ पर घूम रहे हैं तथा किसी घटना को अंजाम देने के पर्पज से घूम रहे हैं तथा हथियारबंद। कोतवाली टीम को भेजा गया तथा वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे करीब 6 लोग हैं जो डकैती की योजना बना रहे हैं तथा उसमें से कोतवाली टीम ने बहादुरीपूर्वक 4 लोगों को अपने कब्जे में कर लिया, जिनसे हमें 315 बोर का कट्टा मिला है, एक हॉकी स्टिक, एक छुरा मिला, एक एयरगन मिली है। बाकी 2 लोग जो हैं, बबलू खंगार और करण खंगार, ये अंधेरा का फायदा उठा के भागने में सफल हो गए। ये जो आरोपी हमने पकड़े हैं ये टीएस मऊरानीपुर के हैं और एक छतरपुर का एक आरोपी, एक बाल अपचारी है। तो इनके जो घटना को अंजाम देना चाह रहे थे उसकी घटना होने से पहले ही हम लोगों ने पकड़ लिया। इनसे पूछताछ करने पर हमने पाया कि करीब 9 प्रकरण यहाँ के जो कोतवाल हमारे थाना क्षेत्रों में जो टीकमगढ़ जिले के हैं चोरी के, वो क्लियर हुए। इनसे हमें 5 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई, इनसे 1 किलो करीब का चांदी का मिल पाया है और हम इनका पीआर लेके और पूछताछ करेंगे रिकवरी, ताकि और से और बढ़ाई जा सके। मतलब 5,000 रुपये करीब का कैश इनसे रिकवर हुआ है। इनसे पीआर लेके और पूछताछ की जा रही है, उम्मीद है कि और रिकवरी हो सकती है और जिले के अन्य चोरी के प्रकरणों का भी खुलासा हो सकता है। आज जो बॉर्डर सीमा है सर, वहाँ पर चेकिंग क्यों की जाती है? हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आते स्टेट के अंदर या जिले के अंदर? देखिए, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। इसमें यह है कि हमारा जिला 2 तरफ से, एक तरफ से ललितपुर, एक तरफ झांसी से, और पोरस बॉर्डर है। ऐसा नहीं है कि फिक्स रोड है या फिक्स नदी है उसके ऊपर पुल बना हुआ है। यहाँ पे गांव के गांव, खेत के खेत, एक जिले में शुरू होता है दूसरे जिले में चला जाता है। पूरे प्रयास जारी है हमारे सार्थक चेकिंग व्यवस्था लगाने के लिए। उसी का नतीजा है कि हम लोग कई सारे आजकल इंटरसेप्शन हो रहे हैं, कई सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आने वाले समय में हम उसको और सख्त और पुख्ता सख्त।